अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि ऑलरेडी वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो आज हम डायरेक्ट अपनी स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं। हम अभी 28वीं स्लाइड पे, 88th, और हमने तकरीबन 135 135 स्लाइड्स कवर करनी है और आज ही करनी है इंशाल्लाह। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने देखा कि IoT फोर्थ IR क्या थी। उससे पहले हमने देखा कि वन टू एंड थर्ड जो जनरेशन थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, वो क्या थी, उनमें क्या क्या खास इजादात हुई जिनकी वजह से हमने उस एरा को एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम दिया। और देन वहाँ से होते हुए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे आए, उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। फिर उसके अंदर IoT की अहमियत देखी, फिर IoT के कंपोनेंट्स को देखा कि वो सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह क्या होते हैं। फिर एक पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर देखा कि वो जो IoT क्या, जो एक पूरा निज़ाम है वो कैसे काम करता है, डाटा गैदरिंग फ्रॉम द सेंसर से लेके एंड यूज़र के सामने वो जो एनालिसिस के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वहाँ तक। और इसमें अब एक नया कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो था एज कंप्यूटिंग का। अच्छा, इसमें क्या होता था कि जो हमने पिछला आर्किटेक्चर देखा उसमें ये चल रहा था कि सेंसर्स डेटा लेते थे और IoT गेटवे को देते थे, और IoT गेटवे जो है सेंसर डेटा लेके इनके डिवाइस को देते थे, डिवाइस आगे वो डेटा IoT गेटवे को देता था और IoT गेटवे उसको क्लाउड पे ट्रांसफर कर देता था, क्लाउड उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता था, एनालिसिस करता था और रिजल्ट जो है वो एंड यूजर को दिखा देता था। लेकिन इसमें ना एक इशू आता था, वो इशू ये था कि जाहिर है सारा कुछ अगर क्लाउड के ऊपर हो रहा है तो कभी अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो आपका वो डेटा, मतलब वो उसकी प्रोसेसिंग हो भी रही हो तो आपको वो मिल नहीं रही होती थी ड्यू टू द इंटरकनेक्टिविटी इशूज ना, कि जो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुए हुए, इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, इंटरनेट चल नहीं रहा, ऐसी सूरत हाल में ना फिर मसला होता था एक को डाटा देने का और एक को जो प्रोसेस डेटा के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने का। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने कोई टेम्परेचर का सेंसर, हमने जो पहले जो शुरू वाले लेक्चर थे या IoT 4th IR पे, इसके हमने एग्जाम्पल ली थी कि आप एक कमरे में टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल कर दें और वो मॉनिटर करता रहे कि टेम्परेचर कितना है, और अगर वो एक थ्रेश होल्ड से बढ़ जाए, लाइक 30 से ऊपर हो जाता है, तो उसका मतलब है कि कमरे में आग लग गई है, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है एक्सेसिव। सॉरी, अलहमदुल्ला। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आप वो थ्रेश होल्ड से आइडिया लगाते थे कि जी आग लग गई, और देन फिर आप अलार्म जनरेट करते थे। अगर ये सारी प्रोसेसिंग इंटरनेट पे हो रही हो और सपोज आग लग गई, और आग लगने से आपके घर की बिजली डिस्टर्ब हो गई और आपका जो अब इंटरनेट का राउटर है वो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज पावर ऑफ हो गई। अब क्या है कि जो कमरे का सेंसर है मुसलसल आराम दे रहा होगा कि भाई टेम्परेचर राइज कर गया, 35, 40, 45, 50 तक पहुंच गया कमरे का टेम्परेचर। अब वो डेटा सेंस भी कर रहे हैं सेंसर्स, वो डेटा आगे IoT डिवाइस, IoT गेटवे को भी भिजवा रही है। तो मसला ये है कि आगे तो पावर ही नहीं है, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। तो जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो वो डाटा चूंकि इंटरनेट पे जा नहीं पा रहा, इसलिए अलार्म ट्रिगर नहीं हो रहा। अगर हमने वो अलार्म ट्रिगरिंग प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे क्लाउड पे रखी होती, ठीक है ना, तो हो गया ये कि आपका घर सारा जल चुका होगा और अभी आप इसी चक्कर में होंगे कि यार वो अलार्म नहीं आया। और अलार्म इस वजह से नहीं आया था कि लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होने की वजह से एक्चुअली आपका जो मेन राउटर लगा हुआ था घर में वही बंद हो गया था। तो इस तरह के इशू से बचने के लिए, और उसके अलावा भी दो तीन इशूज हैं वो आगे जाके आएंगे अगली स्लाइड में, उनसे बचने के लिए फिर एज कंप्यूटिंग को फ़रोग दिया गया। एज कंप्यूटिंग क्या है कि आप जो काम या जो प्रोसेसिंग अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं जो सेंसर से आने वाले डेटा के ऊपर, वो आप लोकल लेवल के ऊपर, एज के ऊपर, जो आपका घर है या जो आपका एरिया है उसके एज के ऊपर, वो जगह जहाँ से आगे, एज कहते हैं ना कोने को, किनारे को, तो वो आपकी विसिनिटी का किनारा है जहां से आगे फिर आप डेटा को क्लाउड पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर अगर आप कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो वो वहीं पे कर लें, ठीक है, और देन फिर आप मीनिंगफुल डेटा को आगे भेजें, एक तो बात ये होगी। और दूसरी बात ये होगी कि अगर आपने कोई एक्शंस लेने हैं लोकल लेवल के ऊपर तो आप वहीं ले लें। अब इस सूरत में क्या होगा, उस एग्जाम्पल में क्या होगा आगे रखने वाली, कि अगर टेम्परेचर का थ्रेशहोल्ड जो है वो एज कंप्यूटिंग लेवल के ऊपर ही चेक हो रहा है, तो होगा ये कि जो ही वो डेटा IoT गेटवे के पास जा रहा होगा, एट दैट मोमेंट चेक होगा कि इसकी वैल्यू क्या है।
अगर वैल्यू 30 से ज्यादा है तो डेटा तो भले इंटरनेट पे भेज दो, लेकिन साथ अलार्म इधर से ही ट्रिगर करवा लो, बजाय इसके कि पहले डेटा इंटरनेट पे जाए, वहां जाके चेक हो कि यार वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि कम है, और फिर वहां से सिग्नल आए कि जी अलार्म एक्टिवेट कर दें। उसकी जगह ये वाली प्रोसेसिंग वाला जो काम है, ये आपने डेटा को नेट पे भेजने से पहले ही पैरेलल में अपने लोकल लेवल के ऊपर ही कर लिया कि जनाब वैल्यू भेजने से पहले पढ़ भी लें कि कितनी वैल्यू भेज रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, और अगर वो वैल्यू 30 से ज्यादा आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की हुई है, तो आप क्या करें कि साथ साथ अलार्म को भी एक्टिवेट करवा दें, ठीक है, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि अलार्म एक खास सॉरी टेम्परेचर जो है वो खास लेवल से ज्यादा हो गया। ठीक है जी। और इससे एक और फायदा ये होता है कि आपका जब आप एज एप्लीकेशन सर्विसेज यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपका डेटा इंटरनेट पे जाने वाला वो कम हो जाता है, ठीक है। इसकी हमने एग्जाम्पल कल डिस्कस की थी कि सपोज अगर आपके सेंसर्स हर 1 मिनट के बाद आपको टेम्परेचर की रीडिंग दे रहे हैं, तो बजाय आप वो हर 1 मिनट के बाद एक रीडिंग भेजने के इंटरनेट पे, आप उसकी जगह पूरे 1 घंटे की रीडिंग का एवरेज करें, तो एवरेज टेम्परेचर की एक रीडिंग 1 घंटे की वो आप इंटरनेट पे भिजवा दें। तो अब क्या होगा कि वो जो एवरेज करने वाली कंप्यूटेशन है वो सारी आपकी एज कंप्यूटिंग एज लेवल के ऊपर हो रही है, और उसके बाद जो उससे आउटपुट निकली है वो एक वैल्यू जो पूरे 1 घंटे की एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू है उसको फिर आप नेट पे भिजवाएंगे। तो अब क्या होगा कि 1 मिनट में पर डिवाइस, 1 घंटे में पर डिवाइस 60 मैसेजेस जाने के बजाय इंटरनेट के ऊपर एक ही मैसेज जाएगा, तो आपका डाटा ट्रैफिक भी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्योर क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें आप सारा कुछ क्लाउड पे ही करते हैं, वो क्यों बेहतर नहीं है? जैसे मैंने कहा था कि अगली स्लाइड में आ रहा है, तो अगली स्लाइड आ गई है, तो इसलिए बेहतर नहीं है कि उसके अंदर मल्टीपल इशूज हैं। वो क्या क्या हैं? नंबर एक तो कि डेटा सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए जो आपका डेटा है वो सारे का सारा आप इंटरनेट में फेंकवा रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर है वो आपके ओन नहीं है, आपने सिर्फ सर्विस ली हुई है, लेकिन एक्चुअली उनका मालिक कोई और है, कोई और कंपनी है ना, और देन फिर वो सर्वर पड़े हुए भी लाइक किसी और मुल्क में, यूएस में पड़े हुए हैं, तो उनकी जो फिजिकल लोकेशन है वो अगर यूएस है तो उनके ऊपर यूएस का लाइव अप्लाई हो रहा होगा, पाकिस्तान का लाइव अप्लाई नहीं होगा। तो कल को यूएस गवर्नमेंट अगर कहती है कि जी आप हमें इस कंपनी का डेटा दिखाएं, तो अगर उनके लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन है तो वो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो यूएस गवर्नमेंट को वो डेटा दिखाने का मजाज होगा, बिकॉज उसके जो फिजिकल सर्वर है उसके बाद यूएस की जमीन पे पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर यूएस का लॉ अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी कंपनी ने वहाँ पे कुछ सर्विस खरीदी भी है, तो वो सर्विस तो ठीक है लेकिन अप्लाई उस पर यूएस के लॉज इसलिए होंगे कि वो सर्वर इसके फिजिकली यूएस में पड़े हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वो कंपनी जो है जाहिर है उसके अपने सर्वर हैं, तो उस कंपनी को भी आपके डेटा का एक्सेस हो सकता है, या वो करना चाहे तो मे बी शायद वो कर ले, ठीक है। तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो आपका डेटा है वो क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको आपके अलावा भी वो एक्सेस कर सकता है, नंबर एक तो बात ये हो गई। नंबर टू, परफॉर्मेंस के इश्यूज आ जाते हैं। अब जो आईओटी एप्लीकेशन नॉर्मली रियल टाइम एप्लीकेशन होती है, तो उसमें अगर आप वही वाली एग्जाम्पल ले लें कि यार अगर आपकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई या किसी और वजह से क्लाउड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल रश ज्यादा है, एक कंपनी है, देखिए अब कंपनीज होती हैं वो तो कमर्शियल कंपनीज होती हैं, ये है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं 100 फॉर एग्जाम्पल 100 कंपनियों के सर्वर चलाने के अपने क्लाउड के ऊपर, वो सपोज 150 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिसके अंदर वैल्यू थी, जो कैपेबल था 100 सर्वर्स को चलाने के लिए, उस पर जब 150 सर्वर चलना शुरू कर देंगे तो हर जो सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी ना, ठीक है। तो जिस तरह गाड़ी है, गाड़ी में 5 सीटें, अगर 2 आगे और 3 पीछे हैं, तो आप उसमें 8 बंदे बैठा दें तो क्या होगा, हर बंदा फंस फंस के बैठेगा, हर बंदे को कम जगह मिलेगी, हर बंदा तंग होगा। इसी तरह से अगर सर्वर की जो कैपेसिटी है वो 100 सर्वर, मतलब एक जो उनका क्लाउड है उसकी कैपेसिटी 100 सर्वर चलाने की है, अगर आप उस पर 150 सर्वर चला देंगे सारे ही सर्वर फिर जरा थोड़े से स्लो चलेंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस लो होगी उनकी। ऐसी सूरत हाल में जो आपकी एप्लीकेशन है वो फंस सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने तो उसमें काम लिखा हुआ था कि यार अगर आग लगे, टेम्परेचर हाई हो, तो आपने इस पर एक्शन लेना है। अब उधर से वो क्लाउड ही स्लो चल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हुई है, तो आग अभी लगी है, प्रोसेसिंग स्लो होने की वजह से उसने 5 मिनट बाद इस वैल्यू को प्रोसेस किया और उसके बाद डिसीजन लिया कि वो आग लग गई है, तो 5 मिनट में तो आग कबाड़ा कर चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेसिंग का ओवरहेड भी आ सकता है। इसी तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है सेटअप। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी इंक्रीज करती है। देखिए उन्होंने आपको सर्वर दिया होता है किराए के ऊपर,
जितना ज्यादा डाटा आप स्टोर करेंगे और जितना ज्यादा डाटा आप इंटरनेट पे क्लाउड पे प्रोसेस करेंगे उतना आपको बिल आएगा, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो थोड़ा बिल आएगा, ज्यादा प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा। तो अगर आप ज्यादा डाटा क्लाउड पे प्रोसेसिंग करवाते हैं, क्लाउड पे स्टोर करवा रहे हैं, तो फिर आपको बिलिंग कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी ज्यादा। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप सारे का सारा डाटा इंटरनेट पर करवा रहे हैं, इतना ज़्यादा बाज का डाटा वहाँ पे क्लाउड में जाने से डाटा डाटा हो जाता है। डाटा डाटा ऐसे बुलाते हैं कि जैसे देखें ना, टमाटर हैं वो इस वक्त कम मिल रहे हैं तो महंगे हो गए। कई बार ऐसे होता है कि वो ढेर लगा होता है तो फिर मे भी शायद आपको 10-15 रुपये किलो भी मिल रहे हैं, तो ज्यादा से वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अगर आपने भी क्लाउड के ऊपर बहुत ज्यादा डाटा रख लिया तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इसमें से कौन सा डाटा मेरे लिए काम का है, कौन सा नहीं है, किसको प्रोसेस करूँ किसको ना करूँ, ठीक है। तो वो भी कवरेड बन जाएगा आपके लिए। तो ये कुछ इस तरह के इशूज हैं जो कि अगर आप प्योरली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाएं तो ये आपको फेस करने पड़ते हैं। अब एज कंप्यूटिंग इनके मुकाबले में क्या करती है, कैसे काम करती है और आपको क्या बेनिफिट देती है, वो ये करती है कि देखिए, हर IoT सेंसर जो है वो टन ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर सकता है, डिपेंड कि उसमें कितने सेंसर लगे हों, क्या सेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में टन ऑफ डेटा अगर आप क्लाउड पे मूव करवाते हैं डेटा बेस पे, तो जाहिर है वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, स्टोरेज की जगह लेगा, तो इशू है कॉस्ट वाइज भी परफॉर्मेंस वाइज भी। अच्छा, फिर अगर उस डाटा की प्रोसेसिंग के बाद पता चलता है कि आपने कोई एक्शन लेना है, जिस तरह अगर आपने देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अब आपने अलार्म एक्टिवेट करवानी है, तो वो जो जाने और आने का टाइम है, यानी कि डाटा आपने यहाँ से वहाँ नेटवर्क भेजा उसमें टाइम लगेगा, क्लाउड के ऊपर भेजा, फिर क्लाउड उसको प्रोसेस करेगा उसमें टाइम लगेगा, फिर प्रोसेस करने का उसे पता चलेगा कि यार ये जो टेम्परेचर है ये हाई हो गया, तो अब वो उसके लिए इवेंट ट्रिगर करने की रिक्वेस्ट भेजेगा कि अलार्म एक्टिवेट करो, उसमें पहुंचने में वापस क्लाउड से आपके पास पहुंचने में इंटरनेट के थ्रू टाइम लगेगा। तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग जो होता है ना, बाजू का जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उसमें तो एक एक सेकेंड मैटर कर रहा होता है। अब आप देखें कि आप लोग कॉल्स करते हैं, ठीक है, मोबाइल के थ्रू, और अगर आपका प्रीपेड कनेक्शन है तो क्या होता है कि आपका जितना बैलेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैलेंस है जिससे आप 1 मिनट एंड 30 सेकेंड की कॉल कर सकते हैं, तो जो ही 1 मिनट एंड 30 सेकेंड होती है आपकी कॉल सिस्टम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देता है। वो 1 सेकेंड भी आपको मजीद एक्स्ट्रा कॉल करने नहीं देता अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो कॉल करने का। वरना आप देखिए ना कि अगर आपका सिस्टम स्लो हो, लेजी हो, और आपकी कॉल बैलेंस की वैल्यू खत्म होने के 3, 4, 5 सेकेंड के बाद डिस्कनेक्ट हो और सब यूजर के साथ ऐसे हो, तो अगर बेशक 5 सेकेंड की कॉल के पैसे पैसों में बनते होंगे, लाइक 5 पैसे या 10 पैसे उसकी अमाउंट पड़ रही हो, लेकिन आप देखेंगे कि किसी 10 लाख कस्टमर हैं, 20 लाख कस्टमर हैं, तो 10-20 लाख कस्टमर में से अगर आधे कस्टमर भी 5-5 पैसे की एक्स्ट्रा कॉल कर ले तो कितनी ज्यादा अमाउंट बन जाएगी। इस वजह से ये जो इस तरह की रियल टाइम एप्लीकेशन होती है तो बिल्कुल एब्रप्ट एक्शन मांगती है। ये एक्शन बसा हुआ क्लाउड की प्रोसेसिंग और नेटवर्क के टाइम की वजह से, नेटवर्क लेटेंसी की वजह से ये फिजिबल नहीं होता। तो आप कहते हैं कि नहीं यार, मुझे चूंकि एब्रप्ट एक्शंस भी कुछ लेने हैं, तो एब्रप्ट एक्शन वाला काम मैं अपने एज कंप्यूटिंग के ऊपर करवा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यही नेटवर्क वाली बात थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है कि ऑल्दो आप यहाँ से क्लाउड पे डाटा भेजें और क्लाउड से उसको प्रोसेसिंग के बाद रिस्पॉन्स वापस आए, कि नॉर्मल पीरियड में हो सकता है सिर्फ 1 सेकंड ले, लेकिन वही वाली बात है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, जिस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल कटती है तो पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में वो 1 सेकंड या 1 मिनट भी बन सकता है, या बिल्कुल ही डिसकनेक्टिविटी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में फिर आपके बिजनेस ऑपरेशन रुक सकते हैं, ठीक है। और फिर एज कंप्यूटर में तो आप सारा कुछ लेके जाते हैं, तो क्या होता है अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, क्लाउड स्लो हुआ है, सारा कुछ है, देन तब भी आपके जो एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस है ना वो रन करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग आपने अपने एच के ऊपर रखी हुई है, उनकी जो डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है वो एच पे ही हो रही है। इसी तरह अगर आपने कोई रियल टाइम डेटा की बेस पे कोई एक्शन भी परफॉर्म करना है, कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर या किसी खास सिनेरियो को डिटेक्ट करने के बाद, तो उस चीज़ को भी आप क्लाउड के बजाय एच कंप्यूटिंग के ऊपर डिसीजन रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जो ही कोई इस तरह का इवेंट अकर होता है या कोई थ्रेशोल्ड की वैल्यू रेज करती है, तो आपका लोकल लेवल के ऊपर उसका रिमेडियल एक्शन जो है ना वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस एज कंप्यूटिंग की वजह से पॉसिबल हुआ कि जो IoT डिवाइसेज हैं
वो 100% डिपेंडेंट नहीं रही इंटरनेट के ऊपर, और अगर इंटरनेट है तो वेरी वेल, अगर नहीं है तो फिर भी वो स्टैंड अलोन नेटवर्क नोड के तौर पे परफॉर्म कर सकती हैं बिकॉज ऑफ दैट एज कंप्यूटिंग जो सेटअप है। अच्छा, अब इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या होंगे एक्सपेक्टेड या हो रहे हैं, वो है नंबर एक ये कि आपकी डेटा की सिक्योरिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि आपका जो मेजर डेटा है रॉ डेटा जो होता है वो आपके लोकल लेवल के ऊपर ही बड़ा होता है। नंबर टू, बेटर ऐप परफॉर्मेंस, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस पे तो रुकी, बजाय ऐसे ही वो इंटरनेट पे जाए वहाँ पे अगर क्लाउड स्लो हुआ है या अगर आपका नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा तो ऐसी सूरत में वो जो परफॉर्मेंस के डाउनग्रेड्स आते थे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे। फिर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप हर चीज़ क्लाउड पर भेजेंगे तो क्लाउड उसको स्टोर करने की प्राइस लेगा आपसे, अगर आप समराइज करके एवरेज निकाल के मीनिंगफुल डेटा भेजेंगे तो कम डेटा भेजेंगे तो कम पैसे लगेंगे, आपके बिल कम आएगा। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बिजनेस की बढ़ जाती है, वही वाली बात है कि अब आपका वो जो खतरा था कि यार अगर खुदा ना खासा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरा काम रुक जाएगा, उससे आप निकल गए उस इशू से, ठीक है। और आपकी स्केलेबिलिटी लोकल लेवल पे आपकी अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर आपने क्लाउड से सर्विस ली तो आप उस सर्विस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो अब आपको फिर क्लाउड वालों से दोबारा बात करनी पड़ेगी कि यार पहले मैंने आपसे 8 GB वाला सर्वर लिया हुआ था तो आप इसको 16 GB वाला सर्वर दें हमें, ठीक है। फिर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करेंगे, फिर आप उनको वो पैसे देंगे, फिर वो आपका ट्रांसिशन होगी फ्रॉम 8 GB वाली मशीन टू 16 GB वाली मशीन, या आपकी मशीन ही अपग्रेड होगी, ठीक है। इट विल टेक टाइम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको अगर प्रोसेसिंग स्लो मिल रही है आप एक और एच कंप्यूटिंग डिवाइस लगा दें अपने सेटअप में, उससे भी काम नहीं चल रहा तीसरी डिवाइस लगा दें, ठीक है, या हैवी प्रोसेसर वाली जो IoT डिवाइस है वो यूज़ कर लें, तो इस तरह हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पे रहते हुए, क्यों इस सारे लोकल लेवल पे कंट्रोल आपके अपने हाथ में होते हैं। फिर जो मैकेंसी साहब हैं ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जहाँ पे मोस्टली ये एज कंप्यूटिंग वाला काम हो रहा है वो कौन कौन सी है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, एनर्जी सेक्टर है, रिटेल है, हेल्थ केयर है और यूटिलिटीज है। इन सब की मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इनकी एग्जाम्पल को स्किप कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर ट्रैवल है या ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें क्या होगा कि अपनी हर गाड़ी में एज कंप्यूटिंग डिवाइस IoT डिवाइस इंस्टॉल कर देंगे, इसके फॉर एग्जाम्पल GPS सेंसर होगा, ठीक है, वो GPS सेंसर्स की मदद से कोऑर्डिनेट्स लेके लोकेशन पता कर देगी कि ये गाड़ी इस वक्त करंटली पूरी दुनिया में कहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद वो IoT के जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हुए इंटरनेट के ऊपर क्लाउड पे डाटा फेंक देगी, तो क्या होगा कि जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑनर है उसको एक ही ग्लैंस में नक्शे के ऊपर अपनी हर गाड़ी की लाइव लोकेशन पता चल रही होगी कि मेरी इस वक्त कौन सी गाड़ी कौन सी जगह पे है, मूव कर रही है, खड़ी भी है, आ रही है, जा रही है वगैरह वगैरह, किस स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे हम गूगल मैप अपने लिए यूज़ करते हैं उस तरह से वो अपने पूरी यानी कि वो जो फ्लीट है लाइक उसमें 100 गाड़ियां हैं उस 100 गाड़ियों की करंट रियल टाइम लोकेशन उसको उन डिवाइसेस की वजह से आ रही होगी जो कि उसने IoT डिवाइसेस अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करवाई है, ठीक। तो ये हम एक एग्जांपल पे इक्तफा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जाके हमारा जो कल वाला सेशन का जो कुछ स्लाइड्स रहती थी वो ख़त्म होती हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है लेकिन क्वेश्चन आंसर हम एक ही बार एंड में लेंगे ताकि वो लोग जो जाना चाहें वो चले जाएँ, बिकॉज कल क्विज भी है, और जो लोग के रुकेंगे वो हम फिर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आंसर को स्किप करते हुए अपने छठे IoT वाले सेशन की तरफ पढ़ते हैं, अब उसका हम आज से बकायदा आगाज करते हैं। जो अभी तक हमने स्लाइड की थी ये एक्चुअली हम कल कवर करना चाह रहे थे लेकिन कल ऑलरेडी टाइम 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे तक चला गया था, इसकी वजह से हमें अपनी क्लास जरा इन स्लाइड को छोड़ते हुए ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है जी। जनाब अब यहाँ से एक नया टर्न आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है वॉइस रिवोल्यूशन। अब पहले हम बड़े सताए हुए हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से और अभी एक मुसीबत आ गई है वॉइस रिवोल्यूशन की, तो ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फिनोमेना है जिसके अंदर हम जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं उसी तरह हम डिवाइसेस से बात करेंगे, और बात करने के बाद उनको जो कंट्रोल करना है वो भी अपनी जुबान से ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन यकीन मानिए हो जाता है, ठीक है। तो वॉइस कंट्रोल जो है ना IoT के यूज केसेस में बहुत ही सूटेबल कंट्रोल मैकेनिज्म है। किस किस में? होम ऑटोमेशन में, ऑटोमोबाइल्स में,
हेल्थ केयर में, एंटरटेनमेंट वगैरह में, इन जगहों पे ये वॉइस कंट्रोल सिस्टम की ना बड़ी इम्प्लीमेंटेशन से आसानी पैदा हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेड में लेटे हुए और आपको गर्मी लग रही है और अब आप चाह रहे हैं कि यार मेरा जो एसी है इसका जो थर्मोस्टेट है वो अगर 25 पे सेट हुआ हुआ है तो ये 22 पे सेट हो जाए। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप अपने मोबाइल को खोलें और उसमें से वो एप्लीकेशन खोलें एसी वाली हो या आईओटी वाली, और उसके ऊपर जाके आप उस एसी को थर्मोस्टेट को 22 पे सेट करने की कमांड दें। लेकिन सपोज आपका मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है और आपके बेड के पास नहीं है, थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, अब आपको उठना पड़ेगा बेड से, उठेंगे जाएंगे उतरेंगे और फिर जाकर मोबाइल उठाएंगे और उसमें से ऐप सेलेक्ट करेंगे और देन फिर उस पर सेटिंग करेंगे और फिर वो काम होगा। दूसरा बड़ा आसान सा तरीका था कि आप रिमोट उठाएं, वो आपके हाथ में या बेड पे पड़ा हो, रिमोट से ही डायरेक्टली उसको कर दें, बजाय आईओटी वाले पे जाने के देसी तरीके से चले जाएं, जिस तरह के पहले आईओटी के बगैर वाले एसी कंट्रोल हो रहे होते थे। जब सपोज कर लेते हैं कि यार वो अब चूंकि आपके घर में आईओटी लग गई है तो अब आपने वो रिमोट इस तरह अपने पास रखना छोड़ दिया है, तो रिमोट भी आपके किसी ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, बात फिर वही आगे के उठ के ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने होम ऑटोमेशन सिस्टम्स में वॉइस कंट्रोल एक्टिवेटेड चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं तो अब क्या होगा कि आप जरा ऊंची सी आवाज़ में कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल प्लीज सेट द थर्मोस्टेट ऑफ एसी टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बिल्कुल एक सिंपल बात की है आपने, जैसे कि आप किसी से भी बात करते हुए ये जुमला कहते हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी हो गए तो आपकी बेगम है, तो फिर बेगम आपको कह रही होंगी, आप को बेगम को ये बात कहने के लिए बड़ी हिम्मत और दिल गुर्दा चाहिए, तो आप किसी को भी कह देते हैं कि यार ये वाला काम इस तरह से कर दो कि जो एसी का थर्मोस्टेट है वो 22 पे सेट कर लो। तो यही जुमले जो आप किसी इंसान से कह सकते हैं जब आप अपने मुंह से निकालेंगे, तो वो जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है वो आपके इस आवाज़ को रिकग्नाइज करेगा, ठीक है, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम उस पर अप्लाई करेगा और आपके एक एक वर्ड का मतलब समझेगा, और एक एक वर्ड का मतलब समझने के बाद वो समझ जाएगा कि ये जो साहब हैं ये बेसिकली एसी का जो थर्मोस्टेट है वो 22 पे सेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसको एज इट इज 22 पे सेट करवा देगा कमांड भेज के, ठीक है, अपने पास जो भी आईओटी वाली कमांड होगी। इस तरह से ना वॉइस कंट्रोल का बड़ा फायदा है कि आप जिस तरह इंसानों से गुफ्तगू नहीं कर रहे होते हैं, उसी तरह से आप डिवाइसेस से गुफ्तगू नहीं करके उनको कॉन्फ़िगर वगैरह करेंगे या उनको यूज करेंगे, ठीक है, और अपनी इसी आसानी की वजह से देखिए ना, अब मोबाइल ऐप है, अब मोबाइल ऐप अगर किसी ने यूज करनी है तो अगर मुझे कंप्यूटर का या एप्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा आता है तो मैं तो बड़ी आसानी से कर लूंगा, लेकिन स्टिल इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो कि मोबाइल इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझते या वो इतनी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, या थोड़े एल्डर लोग जो हैं जिन जिनका जो जवानी और बुढ़ापे का जो शुरू का ज़माना था वो इस टेक्नोलॉजी से पहले का था, तो उनको ये डिवाइस इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हेजिटेशन, तो उन लोगों का क्या किया जाए कि वो ऐप्स कहाँ खोलें, कहाँ आईओटी के चक्कर में पड़े, वो कहेंगे यार ऐसे ही ठीक है सादे वाले लगवा लो ऐसे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये मैनेजमेंट थ्रू वॉइस बड़ी आसानी है आईओटी डिवाइसेस की, कि वो जिस तरह सारी जिंदगी बात करते आए हैं उसी तरह से बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, जो भी रेलेवेंट लैंग्वेज है, और आईओटी डिवाइस उनकी बात सुन के उस पर अमल करें, ठीक है, आपको खास कमांड्स ना होंगे, कमांडें याद रखनी पड़ेंगे, जी LS की कमांड मुंह से बोलेंगे तो इसी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और शट डाउन की कमांड बोलेंगे तो इसी बंद हो जाएगा, इस तरह की कमांडों से भी जान छूट गई उन्होंने, जिस तरह एक सिंपल इंसान बात कर रहा होता है उस तरह की बात करनी है और वो जो आपकी आईओटी डिवाइस है वो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर दे, ये उनके लिए बड़ी आसानी हो गई, ठीक है। तो अब इसके लिए जो एंट्री पॉइंट है आजकल के दौर में, एक तरीका तो ये है कि हर बंदा फिर इस रिसर्च पे लग जाए और फिर अपनी डिवाइसेस बनाए, फिर उसमें NLP कैपेबिलिटीज पैदा करे, जो कि इंतहाई मुश्किल टास्क है। अब क्या हो रहा है, गूगल और अमेजन दोनों इस हवाले से ना सोल्यूशन दे रहे हैं अपने अपने, ठीक है, अमेजन का एलेक्सा है शायद और गूगल का गूगल असिस्टेंट है और माइक्रोसॉफ्ट का शायद कोर्टाना है, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये एक स्मार्ट स्पीकर हैं, स्पीकर्स हैं सिंपल, जिसमें माइक्रोफोन भी लगा हुआ है, तो ये सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, ठीक है।
ये बेसिकली वॉइस कंट्रोल सिस्टम या वॉइस यूजर इंटरफेस के मेन प्लेयर हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप अपने घर में अमेजन एलेक्सा या गूगल का, लाइक गूगल असिस्टेंट वाला जो स्पीकर है वो खरीद के लाके रख दें, अपनी सारी आईओटी डिवाइसेस उससे कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब आप ये नेचुरल लैंग्वेज वाली बात उसे कहें, अलेक्सा से कहें या गूगल असिस्टेंट से कहें, गूगल असिस्टेंट उस बात को सुनेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके मुताबिक रेलेवेंट डिवाइस के अंदर चेंजेस लाके जो आपने बात कही है ना उसको इम्प्लीमेंट करवा देगा। ठीक है, इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल आपके अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स में अवेलेबल है, या इवन एप्पल की अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें सिरी अवेलेबल होता है। ठीक है, सिरी असिस्टेंट जो है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। अब ये कैसे वर्क करते हैं, अगर अपने मोबाइल के नीचे वो जो तीन सॉफ्ट बटन आ रहे होते हैं या हार्डवेयर वाले बटन है, उसमें से जो दरमियान वाला बटन होता है उसको थोड़ी सी देर दबा के रखें ना, लाइक 3 सेकंड के लिए, तो आपका जो एंड्रॉयड में वो जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आपकी बात सुनने लगता है। अब आप उससे सिंपली पूछे लाइक व्हाट इज द टाइम, तो वो अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपको रिप्लाई करेगा, बाकायदा सुनाएगा कि द करंट टाइम इज फॉर एग्जाम्पल 8:30 PM। ठीक है, और इवन अगर आप उसको फुल टाइम एक्टिवेट कर दें तो वो क्या होता है कि वो हर वक्त आपका माइक एक्टिवेट रखता है और आपकी कन्वर्सेशन को सुनता रहता है, और जो ही आपके उसको मुखातिब करके वो काम कहना हो तो आप सिंपल कहें ओके गूगल। जो ही आप कहेंगे ना ओके गूगल, तो वो जो गूगल साहब का असिस्टेंट है ना वो फौरन खड़ा हो जाएगा और ओके गूगल के बाद जो भी आप बात कहेंगे ना उसको एज ए कमांड लेके इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये तजर्बा आप बिल्कुल अपनी इस सेशन के ख़त्म होने के बाद और क्विज के भी ख़त्म होने के बाद कल शाम को आराम से बैठ के फ्री होके ठंडे ठंडे आप इस तजर्बे को एक बार रन कर सकते हैं, जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया, कि आप एक बार वो अपना वो मेन वाला बटन दबा के रखें वो जो बीच में आ रहा होता है गोल सा डॉट बना होता है उसको 3 सेकंड के लिए, तो आपके सामने गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप उसे कोई कमांड कहें, आप कहें उसे ओके गूगल, वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर आप कहें कि व्हाट इज द टाइम, हाउ इज द वेदर, इस तरह की आप सिंपल कमांड उसको दें तो देखिए वो आपको कैसे रिप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, और ये इसी तरह से अमेज़न का अलेक्सा भी काम कर रहा होता है। तो अब ये जो वॉइस कंट्रोल मैनेजमेंट है ये एक प्राइमरी ड्राइवर बनती जा रही है स्मार्ट होम मार्केट का इन US एंड यूरोप। तो अब जो वहां पे जितनी भी ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं IoT की, वो सारी की सारी गूगल कंपेटिबिलिटी और अलेक्सा या अमेज़न के अलेक्सा की कंपेटिबिलिटी दे रही होती है। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी उस कंपनी की डिवाइस खरीदें, घर लाएं, घर में आपने ऑलरेडी वो अपना वो अमेज़न का या गूगल का वो असिस्टेंट वाला वो जो स्पीकर है वो लेके रखा हुआ होगा, तो आप उससे लाके इसके साथ डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर दें, उसके बाद जब भी आपने उस डिवाइस को कंट्रोल करना होगा तो आप ज़ोर से गूगल असिस्टेंट साहब को या अलेक्सा को काम का कहें और वो अलेक्सा खुद से फिर उस डिवाइस को वो आपके मुताबिक कंफिगर कर देगा। ठीक है, अच्छा इसके हवाले से इन्होंने रिकमेंड की हुई है 3 मूवीज हैं, अगर आपके पास टाइम मिले आफ्टर क्विज देने के तो आप जरूर देख लीजिए। हाल एक मूवी है अ स्पेस ओडेसी, ये 1968 की मूवी है लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने मतलब इन कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से एलोबरेट किया। फिर स्टार ट्रैक है 1966 वाली, इसके अंदर उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर कमांड एंड कंट्रोल को शो किया फर्स्ट टाइम, के जो वो स्टार ट्रैक वाले अपनी वो जो शिप्स होते हैं उसमें जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगे हुए होते हैं उनसे इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर कमांड्स देते हैं और वो उसके ऊपर अमल करते हैं। और एक फिर 2013 में हर मूवी आई थी जिसके अंदर एक वर्चुअल पार्टनर उन्होंने शो कराया हुआ है कि जिसके साथ वो बिल्कुल नेचुरल डायलॉग के तौर पर बात करता है, और वो जो कंप्यूटर होता है वर्चुअल पार्टनर होता है वो उसी तरह से अकॉर्डिंगली इंटरसेंट करके उसको रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, अच्छा तो इन सारी खसूसियात से अब क्या हो रहा है, VUI इवॉल्व हो रही है। VUI क्या है, हमारा था पहले CLI होता था, कमांड लाइन इंटरफेस, या उसको CUI भी कहते थे, कमांड यूजर इंटरफेस। कि वो यूजर इंटरफेस था पुराने जमाने में होता था, आपके सामने सिर्फ एक काली सी स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर ऑरेंज कलर में या ग्रीन कलर में या वाइट कलर में, अगर मोनोक्रोम आपका
मॉनिटर है, तो उस पे आपको हिंसे नजर आ रहे होते थे, आप टाइप करते थे कमांड और अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता था। फिर जमाना आया जीयूआई का, इसमें विंडोज वगैरह जब इवॉल्व हुई या एप्पल वालों ने अपना मैक ओएस ग्राफिकल वाला निकाला, तो जीयूआई में क्या होता था कि आपके सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें क्या होता था कि आपको सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ ग्राफिक्स दिए हुए होते थे, आइकॉन्स बनी होती थी, आप आइकॉन पे क्लिक करते थे तो रेलिवेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी, या आपने कोई प्रोग्राम खोला उसके अंदर कोई बटन बने हुए हैं तो आप जो सा बटन दबाते थे वो रेलिवेंट काम एक्टिवेट हो जाता था। ठीक है, तो इसको ये जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं इसको कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इवॉल्व हो रहा है, बल्कि काफी हद तक हो चुका है, VUI, वॉइस यूजर इंटरफेस। और वॉइस यूजर इंटरफेस क्या था कि आप मुंह से बोले कमांड्स और आपका वो काम हो जाए। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप कहें सेव, तो आपकी फाइल सेव हो जाए, बजाय इसके कि जो पहले आप GUI में सेव के बटन पे क्लिक करते थे तो फाइल सेव होती थी। ठीक है, तो इस ये होगा VUI के, वॉइस यूजर इंटरफेस। अच्छा, अब जो आपका टेक्नोलॉजीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ना, तो ये सुंदर पिचाई साहब जो कि गूगल के हेड भी हैं, सीईओ भी हैं, उन्होंने कहा कि जो ये कब कहा, 4 अक्टूबर 2016 में, आज से 3 साल से भी थोड़ा ज्यादा पहले, कि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम मोबाइल फर्स्ट से एआई फर्स्ट। पहले हमारी पहली प्रायोरिटी हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल फोन, मोबाइल के ऊपर हमारी सारी जिंदगी शिफ्ट हो रही थी, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, वो हमारी जिंदगियों में टेक ओवर करना शुरू कर चुकी है। फिर आप देखिए इसमें उन्होंने मजीद वो करने के लिए, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या केस को मजबूत बनाने के लिए, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसी तरह से दूसरे रिनोन्ड फॉर्ब्स मैगजीन, इनके कुछ कोट्स दिए हुए हैं, कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं उनके आर्टिकल्स की, जिसमें वो बता रहे हैं कि स्पीच रिकग्निशन सिस्टम और इसी तरह ये जो वॉइस यूजर इंटरफेस है, कमांड मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी अब इवॉल्व हो रही हैं और ये नेक्स्ट कमिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अब जिसके ऊपर जो है ना दुनिया मूव हो रही है। तो अब ये यहाँ दिखाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन है, कि देखिए 1456 में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग ईजाद हुई, प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई, जिसके बाद वसी पैमाने पे लिटरेचर की पब्लिशिंग मुमकिन हुई। पहले लोग हाथों से किताबें लिखते थे, तो एक किताब की 10 कॉपियां बनानी है तो आपको 10 बंदे बैठाने पड़ते थे जो कि हाथ से वो एक एक बुक के एक एक पेज को पढ़ते थे और दोबारा से लिखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्टीम इंजन वाली प्रिंटिंग प्रिंटिंग की ईजाद हुई, तो जरा प्रिंटिंग और तेज हो गई, पहले मैनुअल होती थी, इंसान काम कर रहे होते थे, 1765 के बाद स्टीम इंजन की ईजाद के बाद जरा और ज्यादा फास्ट हो गई। ठीक है, जो प्रिंटिंग है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस बनना शुरू हुए, फिर उसके बाद कंप्यूटर का दौर आया 1981 में, फिर इंटरनेट आया 1994 में, ये जो एन बना हुआ ये नेटस्केप नेविगेटर जो सबसे पहला तकरीबन बड़ा मशहूर एक ब्राउजर होता था जो कि बाद में फिर इवॉल्व होके फायरफॉक्स बना, तो ये नेटस्केप का ये निशान होता था ये एन वाला। फिर उसके बाद 2008 में क्लाउड कंप्यूटिंग आना शुरू हुई, अमेजन ने वेब सर्विसेज देना शुरू हुई कि जिसके अंदर वो स्टोरेज और कंप्यूट की सर्विस दे रहे होते थे कि अपने सर्वर ऑनलाइन बनाए, अमेजन के पास रेंट पे लें और वहाँ पे काम शुरू करें। ठीक है, फिर उसके बाद 2014 में वॉइस यूजर इंटरफेस आना शुरू हुए। ठीक है, लेकिन ये अभी कमांड्स पे मुश्तमिल थे कि आपको कमांड ही देनी पड़ती थी जब वो एक्ट करते थे, वैसे ये नहीं कि आप जबानी में इंग्लिश में उर्दू में उनसे बातें करते रहे और वो अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते थे, उस वक्त तक वो सिर्फ स्पेसिफिक कमांड को लिसन करके उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते थे। अब 2016 के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बोर्ड्स आना शुरू हो गए हैं कि आप उनसे बातें करें और आपको फील भी नहीं होगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, आगे कोई प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपके कहे हुए जुमलों को समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, और VUI जो है ना, ये वैसे तो नया टर्म है लेकिन वॉइस की जो हिस्ट्री है वो आज से 1 लाख साल पहले स्टार्ट हुई, जब स्पोकन वे में लोगों ने इजहार ख्याल शुरू किया ना, आपस में लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई, जो एक्चुअल लैंग्वेज है, कि लोग पहले इशारों के ज़माने में बात करते थे, फिर उन्होंने कुछ खास वर्ड खास कामों के लिए मख्तस किए और उन कामों के लिए फिर लोगों ने वो वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर 5,000 साल पहले राइटिंग शुरू हुई, कि पहले लोग बोल के काम कन्वर्सेशन करते थे, अब साथ साथ लिख के भी कन्वर्सेशन करना शुरू कर दिए, ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं इस तरह, यानी कि जो भी ज़माने होंगे उस ज़माने की ज़बानें
उनके अल्फ़ाबेट्स की तश्कील पाई और फिर उसके मुताबिक लोगों ने लिख के भी कम्युनिकेशन का इजरा किया। प्रिंट करना यानी कि पेपर वगैरह का इस्तेमाल, ये तकरीबन कुछ 550 साल पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें लिखने के लिए उन्होंने अब प्रॉपर प्रिंटिंग वाला सिस्टम, कागज़ कलम, कागज़ का इजरा हुआ, यानी कि आप ये कह लें पहले लोग दरख्तों की छाल पे और हड्डियों पे और इस तरह की चीज़ों पे लिख रहे होते थे। फिर टाइपिंग वाला काम इजाद हुआ 150 साल पहले। टेक्स्ट टू स्पीच, TTS, टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब है कि टेक्स्ट लिखा हुआ हो उसको पढ़ के कोई मशीन कन्वर्ट कर दे किसमें, ऑडियो में, ठीक है। वो इजाद या वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तकरीबन 80 साल पहले। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स आए, फिर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम आए, वर्ड प्रोसेसर आए, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन्स आए, फिर डिक्टेशन सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गया कि आप मुंह से जो बोल रहे हैं वो उन वर्ड्स को डिक्टेट करना शुरू कर दे। लाइक आपने टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग के लिए बजाय से कि आप वो कीबोर्ड के ऊपर बटन दबाएं, आप वो सॉफ्टवेयर ऑन करके मुंह से बोलना शुरू कर दें माइक में, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी बात सुनकर उसको टाइप कर देगा इंग्लिश की फॉर्म में, ठीक है। और अब 7 साल हुए तकरीबन चैट बोर्ड्स और AI असिस्टेंट आना शुरू हो गए, जो कि होते एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मबनी प्रोग्राम्स होते हैं, और वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से एक इंसान बिहेव करता है। आप उनको कोई बात कहें वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, वो उन में से आपकी बात समझते हैं कि आप क्या और किस बारे में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और देन अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और आज के दौर में डिजिटल असिस्टेंट बड़े हॉट हो गए हैं, और वो कहते हैं कि जी मार्केट की है जो है AI ड्रिवन पर्सनल असिस्टेंट की और बॉट्स की, बॉट्स रोबोट को कहते हैं, वो डबल हो गई है 2018 में, और अब तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $12 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2020 तक, ठीक है। और इसके अंदर हर आजकल के दौर में हर बड़ा जेंट जो है वो अपने इस तरह के असिस्टेंट्स जो है वो दे रहा है, जिस तरह के मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अमेजन वालों ने अलेक्सा दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने शायद कोर्टाना दिया हुआ है, एप्पल ने सिरी असिस्टेंट अपना नाम रखा हुआ है, और गूगल वालों ने गूगल असिस्टेंट अपने उस वॉइस वाले जो असिस्टेंट है उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्यों ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहली मेन चीज़ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज हम वो चीज़ है जो हम बचपन से पैदा होने के बाद से यूज़ कर रहे होते हैं कन्वर्सेशन के लिए अपने सराउंडिंग्स में इंसानों के साथ, इन चीज़ों के साथ, और इसके ऊपर हमें बिल्कुल अभूर हासिल होता है। अनपढ़ जाहिल बंदा भी लैंग्वेज के मायनों में रहते हुए वो पढ़ा लिखा होता है कि वो अपनी बात दूसरे बंदे को बोल कर कन्वे कर सकता है, ठीक है, भले वो पढ़ा लिखा है नहीं है जो भी है, तो इंग्लिश आती है नहीं आती, उर्दू आती है, जो भी लैंग्वेज आती है ना उस लैंग्वेज में वो कम अज़ कम अपनी एबिलिटीज पे वो मुकम्मल होता है, ठीक। ऐसी सूरत हाल में अब ये टेक्नोलॉजी लर्निंग वाले स्टेज से उसकी जान छूट जाती है कि अगर आपका जो सिस्टम है चाहे वो जितना मर्जी कम्प्लेक्स हो, अगर वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है रेलिवेंट, तो अब क्या होगा कि वो अनपढ़ बंदा भी, फॉर एग्जाम्पल देखे ना वही वाली बात है, एक तरीका है कि आप किसी को AC के थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने वाली ऐप समझाएंगे, यार ये ऐसे होती है ओपन, फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाके क्लिक करोगे तो ये चीज़ सामने आएगी, यहाँ पे आप वैल्यू जो दोगे उतना आपका AC का टेम्परेचर सेट हो जाएगा, तो उसकी जगह उसको सिर्फ ये बता दो कि भाई तुम अपनी मर्जी से इसको कुछ भी कह दो, उसे कह दो कि सेट द थर्मोस्टेट एट 25, उसे कह दो कि मेक द टेम्परेचर ऑफ द रूम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसे कह दो कि प्लीज डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्टेट, इस तरह की कोई भी बात कह दो जिसका मतलब इस तरह का बनता हो कि यार भाई थर्मोस्टेट की वैल्यू कम कर दो, तो वो जो